काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंगरी स्पिरिट्स में। हंगरी स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। इस बार मल्हार सरकार सही रास्ते से धनाजी के पीछे है, ये हमने देखा है। इसीलिए मैंने बोला काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, क्योंकि इस बार ये काठ की हांडी जो है फूटने वाली है। चलिए बात करते हैं, मगर पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो धनाजी सरदार ने जिम्मेदारी ले ली है कि जो महामारी फैली है उस महामारी के ऊपर वो काम करेंगे और जो कल्प्रिट है उनको पकड़ेंगे। अब ये साफ साफ है कि उन्होंने जिम्मेदारी ली है तो उनको कुछ तो आइडिया होगा कि कहां से काम शुरू करना है, या फिर वो खुद ही इसमें इन्वॉल्व है, ये बात तो है ही। मगर इस बात पे बड़ी बात यह है कि मल्हार सरकार ने उनको जिम्मेदारी दे दी, और यहां पे मल्हार सरकार तुक्कु जी से जो बात कर रहे हैं उस बात से साफ साफ पता चलता है कि दोस्ती के नाते, रिश्तेदारी के नाते जिम्मेदारी तो दे दी है, मगर अब वो विश्वास उनको धनाजी सरदार पे नहीं रहा। इससे यह भी पता चलता है दोस्तों कि मल्हार सरकार को धनेश्वर वाले मामले में धनाजी सरदार पे पूरी तरह से शक है, मगर कर नहीं पा रहे हैं कुछ भी। इसीलिए धनाजी सरदार के पीछे जासूसी की जाएगी अब, जो पहले कभी नहीं हुआ। अगर पहले ऐसा होता तो शायद इतना सब कुछ ना होता, मगर होता ना, जब कोई काम होना होता है तभी होता है। अभी धनाजी सरदार ने इतना सारा चीजों को फैला दिया है तो उस पर शक होना तो बनता ही बनता है, और ऊपर से अहिल्या का भी उनके ऊपर जो अविश्वास है वो भी मल्हार सरकार के मन में बार बार आ रहा है। इसलिए ये राइट डिसीजन जो उन्होंने लिया है वो बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि अब ये करना बहुत जरूरी है कि जिस भी मामले में धनाजी सरदार जिम्मेदारी ले रहे हैं उस मामले में उनको करने दीजिए, मगर अपनी भी आंखें खोल के रखिए। वही किया है मल्हार सरकार ने, और अपनी आंखें खोलने के लिए मल्हार सरकार ने धनाजी की तरफ जासूसी का काम शुरू किया है, जो तुक्कु जी ने जिम्मेदारी ली है। अब ये जासूसी कहां तक पहुंचती है, कैसे धनाजी सरदार एक्सपोज होते हैं, ये तो वक्त ही बताएगा, मगर फिलहाल ये स्टैंड लेना, ये पॉइंट उठाना, ये वाला काम करना हमारे लिए सराहनीय है। आप क्या कहते हो कमेंट करके बताइए। देखते रहिए चैनल हंगरी स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब टू आवर चैनल बाय क्लिकिंग द सब्सक्राइब बटन, क्लिक द बेल बटन एंड एंजॉय द लेटेस्ट अपलोड्स फ्रॉम आवर चैनल।